हेलो दोस्तों, आप ये महिंद्रा ट्रैक्टर 275 DI ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर जो है ये आप देख रहे हैं, ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि वर्किंग टाइम पर इस ट्रैक्टर में जो साइलेंसर है तो साइलेंसर से ऑयल आने लगा था। तो इसका हम लोग ने हेड खोला हुआ था, तो ये आप देख रहे हैं हेड, ये 1, 2, 3, ये 2 और 3 नंबर जो है ये सूखे हैं और ये जो 1 नंबर है ये इसमें ऑयल आया हुआ था। तो इसके इस पिस्टन पे ऑयल आने के कारण साइलेंसर से इस बाल के थ्रू साइलेंसर से ऑयल बाहर आ रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो 1 नंबर की जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड का जो बुश होता है तो वो बुश बाहर आ गया था, ढीला हो गया था कनेक्टिंग रॉड से। ये आप कनेक्टिंग रॉड देख रहे हैं, ये कनेक्टिंग रॉड जो है मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, बाकी इसकी जो ट्रैक्टर वाली जो कनेक्टिंग रॉड है वो बुशिंग के लिए हम लोगों ने भेज चुकी हैं। तो ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये नई कनेक्टिंग है तो इसका ये जो बुश है ये निकल गया था। तो उस कारण से हुआ क्या था, ये इसका 1 नंबर वाला पिस्टन है तो बुश निकलने के कारण जो इसमें तीनों रिंग होते हैं, ये तीनों रिंग ये अनबैलेंस हो चुके थे, उस कारण से साइलेंसर पे ऑयल आ रहा था। ये आप रिंग देख रहे हैं, ये रिंग जो है ये अनबैलेंस हो चुका था। ये आप देख रहे हैं, ये जो रिंग है यहाँ पे, यहाँ से अनबैलेंस हुआ था तो यहाँ पे इस जगह से ही ऑयल साइलेंसर के थ्रू जा रहा था। रिंग अनबैलेंस होने के कारण ही इसमें साइलेंसर से ऑयल आया है। ये आप देख रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।